नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी मंगल और आप सभी का एस्ट्रो तक में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, शिवरात्रि क्या है और इसका क्या फल है? शिवरात्रि की रात्रि है शिव की पूजा का समय, क्योंकि शिवरात्रि को शिव की पूजा की जाती है। शिव की पूजा करने का ये खास दिन होता है, ज्ञान प्राप्त करने का ये खास दिन होता है। तो आज है महाशिवरात्रि। आज के दिन पूजा आराधना शिव की आप जरूर करें, यदि हो सके तो आप व्रत जरूर रखें। तो इससे काल सर्प दोष दूर होता है, इससे मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। विवाह में विलंब यदि हो रहा होता है तो विलंब दूर होता है, घर में धन आने लगता है, कार्य सिद्ध हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो शुरू करते हैं राशियों का सिलसिला और शुरू करते हैं मेष राशि के साथ। मेष राशि के लोग गुड़ के जल से अभिषेक शिव का जरूर करें, मीठी रोटी का भोग शिव को जरूर चढ़ाएं, लाल चंदन व कनेर के फूलों से भगवान शिव की पूजा आराधना करें। बात कर लेते हैं वृष राशि की। शिवलिंग का अभिषेक आप दही से करें, शक्कर, चावल, सफेद चंदन और सफेद फूलों से भगवान शिव की पूजा करें, इससे आपको लाभ होगा और आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक जरूर करें आप, मूंग, दूब और कुशा से भगवान की पूजा आराधना करें, आपके कार्य जरूर बनेंगे। बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो घी से आप शिवलिंग का अभिषेक करें, चावल, कच्चा दूध, सफेद आक व शंख पुष्पी से शिवलिंग की पूजा आराधना करें। बात कर लेते हैं सिंह राशि। तो गुड़ के जल से शिवलिंग का अभिषेक करें, गुड़ व चावल से बनी हुई खीर का भोग लगाकर गेहूं के चूरे और मंदार के फूलों से भगवान शिव की पूजा आराधना करें। बात कर लेते हैं कन्या राशि। गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करें आप, भगवान शंकर को भांग, दूब और पान अर्पित करें, इससे आपके कार्य बनेंगे और मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। बात कर लेते हैं तुला राशि। सुगंधित तेल या इत्र से भगवान शिव का अभिषेक करें, दही, मधुरस व श्रीखंड का भोग जरूर लगाएं और सफेद फूलों से भगवान की पूजा आराधना करें, आपके राशि के स्वामी शुक्र प्रसन्न होंगे और धन आने लगेगा। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। तो आज महाशिवरात्रि है, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन शिव की पूजा आप पंचामृत से करें, पंच अमृत से शिव का अभिषेक करें, लाल गोजिया के फूलों से भगवान की पूजा आराधना जरूर करें, आपके कार्य जरूर बनेंगे। बात कर लेते हैं धनु राशि। हल्दी युक्त दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें आप, केसरी और बेसन से बनी हुई मिठाई से भगवान का भोग लगाएं, गेंदे के फूलों से भगवान की पूजा आराधना करें, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे और आपके काम बनेंगे। बात करेंगे मकर राशि की। नारियल पानी से आप शिवलिंग का अभिषेक करें, उड़द से बनी हुई मिठाई से भगवान का भोग लगाएं और नील कमल के फूलों से भगवान की पूजा आराधना करें। बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तिल के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करें आप, उड़द से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाएं और शमी के फूल से भगवान शिव की पूजा आराधना करें। बात कर लेते हैं मीन राशि की। तो केसर युक्त दूध से भगवान शिवलिंग का अभिषेक करें आप, दही भात का भोग लगाएं और पीली सरसों और नाग केसर से भगवान शिव की पूजा आराधना करें। एक खास उपाय सभी लोगों के लिए, काले तिल जल में डालकर आप भगवान को अभिषेक करें। भगवान शिव की पूजा आराधना आप बिल्व पत्रों से कर सकते हैं, कनेर धतूरा अर्पित भगवान को जरूर करें, शिव स्त्रोत का पाठ करें आज के दिन, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, इससे आपके कार्य बनेंगे और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी।
आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।